ओह माय गॉड, इतनी भीड़। होप करूंगा बस कि किसी को यहाँ पे कोरोना ना हो। और मेरे टिकटॉक के फैन लोग, सॉरी टिकटॉक ऐप के फैन लोग, यही ट्रांजिशन वहाँ पे पसंद करते हो ना। लेट्स कमिंग टू द पॉइंट, आज थोड़ा जल्दी व्लॉग चालू हो गया क्योंकि आपका भाई थोड़ा जल्दी उठ गया। आज वैसे बहुत काम है क्योंकि सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट का वीडियो शूट करके उसको सेंड करना है। उसके बाद बाज़ार जाके कुछ सामान लाना है क्योंकि आफ्टर ऑल अब मम्मी है नहीं, तो आपका भाई ही सामान लेके आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आज थोड़ा सैर सपाटा किया जाएगा क्योंकि आपका भाई का शहर ग्रीन जोन में है। भाई साहब, कई न्यू फीलिंग यहाँ पे मोटो ब्लॉगिंग की। वैसे तो मेरे को खासा एक्सपीरियंस नहीं है मोटो ब्लॉगिंग का, लेकिन अभी मैं स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि इतने दिनों बाद अब निकले हैं तो थोड़ा तो बनता है यार आपको शहर का मुजाहरा दिखाने का। और यहाँ काफ़ी बसेस लगी हुई हैं, जो श्रमिक एक्सप्रेस आ रही है उसके लिए बहुत सारी बसेस लगी हुई हैं, काफ़ी भीड़ है। वैसे पिछली बार भी मैं निकला था लॉकडाउन में अर्जेंट काम से, लेकिन इतनी भीड़ देखने को नहीं मिली थी। अब ग्रीन जोन है तो भाई फ़ायदा तो उठाया ही जाएगा। विराटपुर रेलवे स्टेशन, ओ भाई शोभजी वाले, शोभजी, ओहो, रेस्ट इन पीस, सोशल डिस्टेंसिंग। वैसे ये फिर भी कम है काफ़ी जगहों के मुकाबले। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा मिस कर रहा हूँ ये पीवीआर थिएटर को, क्योंकि भाई हर वीक अपने हॉस्टल में तो मूवी देखना हो ही जाता था। काफ़ी मिस कर रहे हैं अपन, यहाँ पे काफ़ी आया करते थे। ऑफकोर्स अपने सिटी में तो फास्ट फूड कॉर्नर सारे खुल गए हैं क्योंकि यहाँ पे अभी मैं देखा फास्ट फूड के एक स्टोर खुला हुआ था और जूस का भी दुकानें खुली हुई थी। अभी मैं जा रहा हूँ अपने सबसे स्पेशल प्लेस पे जहाँ पे बहुत पूरे लगभग ऑलमोस्ट सारे बिलासपुरियंस हैंग आउट करते हैं शाम के टाइम या दिन के टाइम, फ़र्क नहीं पड़ता है। द ग्रैंड एंड शोर मचाओ थोड़ा सा ग्रैंड, ओहो रिवर व्यू। तो ये तो रिवर तो बचा नहीं है, अभी व्यू ही बचा है तो व्यू को ही देख लेते हैं। यहाँ पे झंडा हुआ करता था, नहीं झंडा नहीं है। बिलासपुर जब भी आते थे शाम को हम लोग का यहाँ पे बैठना हुआ करता था। ये हमारे चड्डी बड्डी, तो वापस यहाँ पे ऐसे बैठेंगे शाम में। भाई बहुत टाइम है भाई, पेट बड़ा होने का भाई, बस टाइम है घर में रहने। देखो क्या लगता है अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन अपने को क्या है, अपन तो कभी भी आके बैठ सकते। वैसे मैं थोड़ा जल्दी घिसा के लिए वो जगह से, वो जगह पे ज़्यादा रहना ठीक नहीं है वैसे, क्योंकि कभी भी वहाँ पे पेट्रोलिंग वाले आ सकते थे। लॉकडाउन में यार मेरे ओपिनियन में एक बहुत ही अच्छी चीज़ पता चल गई, किसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, ये बहुत बड़ी चीज़ पता चली है लॉकडाउन में। शायद आप सबको भी पता चल गई होगी। मोटो ब्लॉगिंग मैं करता नहीं हूँ जनरली, क्योंकि एक तो आदत नहीं है और दूसरी चीज़ इक्विपमेंट्स नहीं है। इक्विपमेंट्स तो खैर बहाना है, करने को तो कर ही दिया ना, वो भी तो फ़ोन से ही किया, तो ये सब तो बहाना है यार बोलने की चीज़। ये रेलवे का ऑफिस है हमारे बिलासपुर जोन का, और ये सारी बातों के बीच टेंशन भूल ही गया। सामान लेना था यार, सामान लेने के बाद एक आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, उसको सुन के ही आप चलिए। आज का ज़रूरी सामान तो ले लिया, अब घर चल के कुछ इम्पोर्टेंट बात करते हैं। तो अब सीरियस होते हैं, एक ज़रूरी बात ये बतानी थी कि रिसेंटली मैं एक डेढ़ महीने से फेसबुक यूज़ कर रहा था। अगर आप कोई भी पॉलिटिकल व्यू रखते हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, तो यार उसको दोस्ती के बीच में मत आने दो। और वो जो डिबेट्स रहते हैं ना यार, जो एक दूसरे के लिए होती है, उससे यार दोस्ती ही ख़राब होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये सच भी है। तो बेहतर होगा या तो आप पॉलिटिकल डिबेट से दूर रहो या तो आप फेसबुक से दूर रहो। पीस। वैसे मैं कभी मोटो ब्लॉगिंग किया नहीं था, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। आई एम अ नूब इन दिस। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो, वो जो जिसमें मेरा फ़ोटो आ रहा है ना, उसमें एक सब्सक्राइब करके लिखा है, तो अपनी उंगली को सब्सक्राइब की तरफ ले के जाओ और ऐसे दबा दो। To be honest, it has never brought me down.